अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे इलेक्शन जो कि आम इंतखाबात के हवाले से जो गहमा गहमी इस वक्त देखी जा रही है और बिलखसूस कराची के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब जाँच पड़ताल एतराज़ात का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनकी जो जाँच पड़ताल के बाद उनको मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। अब तमाम कुछ जगहों पर एतराज़ात भी सामने आए। कुछ इलेक्शन के हवाले से आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे K21 न्यूज़ के फैसल मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल मलिक, थोड़ी सी तफसीलात दें कि अब तक क्या मोमेंटम बना हुआ है, किस किस उम्मीदवार के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो गए हैं और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, नाजरीन तक पहुँचाएँ। जी अली रजा भाई, अगर बात करें मुल्क में आम इंतखाबात के लिए जो कराची में कौमी और सूबाई असम्बली में समेत मखसूस नशस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी जमा कराई गई थी, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों का जमा कराने का सिलसिला जो पांचवें रोज गुजर चुका था, इसके बाद जो है अब इलेक्शन कमीशन में जो है सिंध के मुताबिक चार रोज में कौमी और सूबाई असम्बली के नशस्तों के लिए 1400 जायद कागजात जमा जो कराई गई थी उसकी स्क्रूटनी भी जारी है। अगर बात करें यहाँ पर कौमी और सूबाई असम्बली में सिंध में से जो खवातीन और अकलीती की मखसूस नशिस्तें के लिए 400 से जायद कागजात जमा जो कराए गए थे, जिसमें अगर बात करें इसी के साथ तो इन पाँच दिनों में जो है साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनका जो है जिला चमाड़ी NA 242 से कागजात नामजदगी जमा कराई गई थी, और MQM पाकिस्तान के जो सरबरा है डॉक्टर फाद मखालिद मकबूल सदीकी, जिला बस्ती से NA 248 और NA 249 से जो है NA 250 से कागजात नाम जमा कराई गई थी, और जमात इस्लामी के जो जिला बस्ती के रहनुमा हाफिज नईमत अमान वहाँ पे भी 250 के और 200 जिला गरीबी में 246 में जो है NA 246 से कागजात जमा कराई गई थी, जिसकी स्क्रूटनी भी जारी है, उसकी मंजूर भी हो गई है, और जिला चमाड़ी की जो है NA 242 और जिला बस्ती में NA 247 से कागजात जमा कराने का जो रहनुमा MQM पाकिस्तान के जो फारूक सत्तार है उन्होंने भी जमा कराई है, जबकि आज ये कुछ के जो है तारीख भी आ गई स्क्रूटनी की और कुछ की नेक्स्ट दो दिन बाद की भी तारीख आ गई है। NA 240 जिला जनूबी में NA 244 जिला गरीबी से कागजात जमा कराई गई थी, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उसमें से MQM के रहनुमा जो रौफ सदीकी है उन्होंने भी जिला शर्की के जो NA 237 और जबकि अमीनुल हक ने जिला गरीबी में NA 246 से कागजात जमा कराई थी, जिसकी स्कूटी भी जो अच्छा मलिक फैसल हमें थोड़ा सा ये बताने के बाद ये भी बताइएगा कि क्या क्या एतराजात सामने आए, किसने किसके ऊपर एतराज किए, किसके ऊपर जो है मंजूर जो है वो नहीं हो पाए, कुछ इस हवाले से भी तफसीलात हमें बताइएगा। हाँ जी अली रजा भाई, मुख्तलिफ जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो सियासी जमातों के कागजात जमा कराए गए, इसके बाद जो है आपका जो PTI MLA ने जो है अकरम खान उनके जो है शेख सराउद्दीन जो है MQM पाकिस्तान ने एतराजात उठाए कि 9 मई के वाकयात में हवाले से इनमें इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद जो इन्हें कागज नामजदगी में जो है इनके एतराजात उठाए गए। और बात करें यहाँ पर दीगर भी सियासी जमातों के जो रहनुमा है उन्होंने भी एक दूसरे जमातों पर जो है एतराजात उठाए हैं। मुल्क में 8 फरवरी के 2024 के होने वाले आम इंतखाबात के कौमी और सूबाई असम्बली के नशस्तों का कारण और जांच पड़ताल के जो अमल है वो भी आज से शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है वो पहले रोज जिला चमाड़ी से, अगर मैं आपको बताऊं तो NA 243 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल के जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उन्हें मंजूर कर ली गई है, और जिला चमाड़ी से NA 242 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कादर जो कादर खेल के साथ साथ दीगर जांच पड़ताल अभी फैसला महसूस कर लिया गया है। और बात करें यहाँ पर कादिर खान जो मंदो खेल है उनसे कागजात को मंजूरी कर ली है, तहम फैसला इंसानों को भी सुनाया जाएगा। और बात किया तो MQM की तो शेख जो है 248 से आजाद भी हुआ अफर खान के एतराज और पीपल्स पार्टी के मंजूर भी किए गए हैं। अगर बताऊंगे तो MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो है आसिया एहसास। मलिक फैसल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, कुछ लोग ऐसी जो है वो मामलात में सामने आ रहे हैं कि वो खुद सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, बावजूद इसके भी
उन्होंने जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है अपने कागजात जमा कराए हैं, और साथ साथ बहुत सारे लोग जिनके कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मंजूर हो गए हैं, उनके साथ साथ कुछ लोग ये भी बताए जा रहे हैं कि उनके नहीं हुए। अब इधर कुछ सियासी जमातें ऐसी भी आ रही हैं जिनके जो लोग हैं, जो साबिक अरकान असेंबली भी रहे हैं, उन्होंने अब दोबारा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं जो कि मंजूर हो गए। तो सियासी जमात में होते हुए ये आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास आज हमारे भी मैंने फैसले में? आपसे पूछा कबल भी आपने मुझे बताया कि जो पीटीआई के सबक एमएनए रहे उनके भी असलम खान उनके जो एतराजात शेख सलाउद्दीन जो एम के रहनुमा है उन्होंने एतराजात उठाए हैं। और बात करें शहर के मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर में जो कागजात जमा कराए गए जिसमें जिला जदोगी में NA 240 से कागजात जमा जो मंजूर किए गए उसमें इसी तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के निश्चितों पर दीगर सियासी जमातों के आजाद उम्मीदवारों के कागजात जमा का जो सिलसिला था वो जमा होने के बाद अब यहाँ पे भी ये भी देखा है। दूसरी जानब के सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में भी कौमी असम्बली और खवातीन की असम्बली और क्लीटी के मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवार कागजात जमा कराई गई थी। उसके बाद अब जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे पर एतराजात भी उठाए जा रहे हैं और एतराजात के साथ साथ जो है अपनी करारदार भी पेश कर रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कागजात नामजदगी की तो इसके अलावा जो है जिला बस्ती में वहां पर जो है एनकेएम रहनुमाए खालिद महमूद सदीकी समेत एनकेएम के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं वो मुस्तफा कमाल उनके जाने से भी कागजात जमा कराए गए थे। जिसके बाद जो है अब जो पहले MNA MPA रह चुके हैं उनके भी जो कागजात जमा होने के बाद अब उन पर मुख्तलिफ किस्म के जो है सियासी रहनुमाओं की तरफ से एतराजात उठाए जा रहे हैं। जी चले, बहुत शुक्रिया मलिक फैसल तफसीलात से आगाह करने के लिए। मलिक फैसल हमें बता रहे थे कि नाजरीन किन किन हलकों के अंदर जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया है, और बहुत सारे लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं जमा कराने के बाद जो है वो मंजूर हो गए हैं। साथ ही हम जो हैं इस हवाले से भी एक जनरल पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह की इलाकों में गहमा गहमी देखी जा रही है, क्या उसी तरह देखी जा रही है जिस तरह कभी माजी में इलेक्शन होते थे और देखी जाती थी, या अब आवाम का इंटरेस्ट जो है वो उस तरह नहीं देखा जा रहा? और बिलखसूस कराची की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मामलात मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सियासी जमातें और उस हवाले से भी जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। पहले जो लीड नहीं करते थे अब वो लीड कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी लोग सामने आएंगे। साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ जगहों पे जो है वो कड़ा मुकाबला होगा। मैं इसी हवाले से मजीद इस वक्त ग्राउंड पे चल के आ रहा है, हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं, नंदर रिजवी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टेलीफोन लाइन पे हमें जमा किया, जो है वो आए टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मंजर साहब। मंजर साहब सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप ग्राउंड पे क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? पहले तो अली रजा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे लाइन में लिया। देखिए ग्राउंड में पोजीशन जो है वो ये चल रही है कि कागजात नामजदगी जो है उसकी स्क्रूटनी शुरू हो गई है, ये 30 दिसंबर तक जारी रहेगी जिसमें एतराजात वगैरह भी लगेंगे। लेकिन जो वो गहमा गहमी रिवायती तौर पर नजर आती थी देखें वो तो ना होने के बराबर है। लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे जलसे भी कर रहे हैं, रैलियों की शक्ल में भी आ रहे हैं, लेकिन हमने जो अपनी रिवायत देखी हमने 6-8 इलेक्शन जो है वो कवर किए हैं मुख्तलिफ वक्तों में, तकरीबन 90 से हम इलेक्शन जो है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन वो गहमा गहमी जो हर दफा होती थी वो नहीं है। पीटीआई की वजह से यहाँ पे बहुत जोश और खरोश पाया जाता था, अब पीटीआई भी क्योंकि मुतासिर हो चुकी है इन हालात में, उनका भी अपना सर्वाइव करना मजा साहब मैं मुश्किल उसके हो रहा ऊपर है। भी आऊंगा, मुझे पहले ये भी बताइएगा कि कौन कौन से हलके ऐसे हैं जहां पर कड़ा मुकाबला होगा, नॉन पॉपुलर लीडर्स जो है लड़ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, थोड़ा सा इस हवाले से भी नाजरीन तक बताए ना कि केमाड़ी देखिए अली रजा यहाँ पे जो है ना वो तो अब तो सेंट्रल हो या ईस्ट हो या किमाड़ी हो, हर जगह मुकाबले जो है वो तो अब सख्त होंगे। किसी के लिए भी जीतना जो है ना वो आसान नहीं रहेगा। आप एमकेएम के हवाले से मैं आपको बता दूं, सेंट्रल में जितनी भी सीटें एमकेएम ये समझती है वो आसानी से जीत जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। एमकेएम को भी टफ फाइट का सामना करना पड़ेगा उसकी, क्योंकि धड़े बंदियों की वजह से उनको भी काफी नुकसान हो चुका है। पीएस पार्टी जो है
वो काफी इस वक्त जो है ना, आपको मैं बताऊं कराची में भी और सिंध में भी, और उनकी कारकर्दगी पर तो सवालिया निशान है। एमक्यूएम तो बड़ा स्टेक रखती है, उसका क्लेम है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो उसके अलावा कोई और इतनी आराम से जीत नहीं सकता, वो तो बायकॉट का नतीजा था कि जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें बल्दियाती इलेक्शन में आ गई। तो आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ना कि इसको भी पता चले कि कौन कौन सी अपोजिशन अभी कितनी स्ट्रांग हो गई है कि अब लोग ये सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि एमक्यूएम और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उस तरह मजबूत नहीं रही। जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया या एमक्यूएम की जो रिवायती सीटें थी, वो जब इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी आप रिजल्ट देख लें तो काफी सीटें मुतासर हुई थी। तो अभी अगर आप करेंगे तो लोग डिसाल्ट हुए हैं पाकिस्तान की, तो पूरी कराची की पूरी सियासत में आपको बता रहा हूं कि किसी से भी मुतमईन नहीं है। लेकिन अगर किसी ने यहां पे कुछ कुछ हासिल किया है तो जमात इस्लामी ने हासिल किया। वो आप एमक्यूएम का कहना यह है कि जमात इस्लामी हमारी गैर मौजूदगी में जीती है, जबकि जमात इस्लामी का ऐसा नहीं है। वो हाफिज नईम साहब जो है, उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करी है वो सीटें निकालने में, उनको ये लग रहा है कि वो सेंट्रल में जीतेंगे। पीस पार्टी जो कराची में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में, ना उनके काउंसलर आए थे ना चेयरमैन आए थे, इस दफा उनका मेयर कराची आ गया, वो भी बहुत ज्यादा जो है उम्मीदें लगाए हुए, उनको उनका हिसाब लगाया हुआ, उनका कह रहे 10 से 12 सीटें जो है वो हम आराम से जो है हासिल कर लेंगे, हमें ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना। अच्छा मंजर रिजवी साहब, आप पॉलिटिकल बीट पे बहुत अरसे से काम करते रहे, मेरा एक सवाल है आपसे भी, ये बताइएगा कि देखें बात ये है कि मुस्तफ़ा कमाल अपने निज़ामत के दौर को आज की पॉलिटिकल कैंपेन में भी उसको रिकग्नाइज करा रहे होते हैं, उसको कैश कराते दिखाई दे रहे होते हैं। आप समझते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा बहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने में किरदार अदा कर पाएंगे जो काम वो कर रहे हैं, या आप समझते हैं वो काम हुए हैं कराची शहर के अंदर के उससे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में जो है वो इजाफा होगा, या आप ये समझते हैं कि उसमें वो घटेगा? देखिए मुर्तजा वहाब जो है वो एक पढ़े लिखे इंसान है, बैरिस्टर है, काम के हिसाब से तो मैं इनकी कारकर्दगी से तो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन बेहतरी की कोशिश जरूर कर रहे हैं ये कि भाई बेहतर से बेहतर हो जाए। लेकिन जाहिर बात है जो कराची की सूरत हाल है वो 15 साल का बिगाड़ है। मुस्तफा कमाल अपनी जगह सही है, नेमतुल्ला साहब और मुस्तफा कमाल ने एक शानदार कराची छोड़ के गए थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने है, कोई सड़क सलामत नहीं है, कोई जगह सलामत नहीं है, कोई पार्क सलामत नहीं है। तो आप मुर्तजा वहाब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो पुरानी गवर्नमेंट चलाई है जी, ये तो अभी आए कुछ अरसे पहले, इससे पहले जो जो 12-13 साल थे वो टोटल कराची की बर्बादी के साल थे, उसमें एक रुपए का काम नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल के सब जाने का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही मुस्तफा कमाल साहब गए तो बिन कासिम पार्क जो पाकिस्तान कराची का सबसे बड़ा पार्क है वो उजड़ गया था, उसको बिल्कुल वहां पे मैं गया था तो वो पूरा उजड़ चुका था। तो जहां जहां ये सूरत हाल हो जाए कि एक आदमी के जाने से पूरा कराची उजड़ जाए, तो 12 साल का उजाड़ था जो आसानी से जो है ना वो खत्म नहीं हो सकता था। और मुर्तजा वहाब कोशिश जरूर कर रहे हैं, देखिए ये तो आने वाला रिजल्ट बताएगा। लेकिन कुछ भी कहे, पीस पार्टी में एमक्यूएम के कई लोग शामिल हुए हैं, अब उनकी हैसियत पे तो ये नहीं है कि वो कितने लोगों के साथ गए हैं, लेकिन उनके कई एमपीए कई एमएनए जो है पाकिस्तान पीस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये तो बेनिफिट मंजर रिजवी साहब। मगर एक बात है ना, एमक्यूएम का जो रोल रहा है, जो इनकी पॉलिटिकल कैंपेन होती थी उसके अंदर कभी भी शख्सी बुनियादों पर कैंपेन्स हमने नहीं देखी कराची शहर के अंदर, वो वोट कभी भी उस तरफ से नहीं पड़ा, शख्सी बुनियादों पर नहीं पड़ा, इंडिविजुअल्स को कभी वोट नहीं पड़ा। हमेशा हमने ये रुझान देखा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो उसकी पतंग पे वोट पड़ता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शख्सी बुनियादों पर अब जो लोग एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी के अंदर अगर गए भी हैं तो वो कितना किस कदर मुतासिर कर सकते हैं खुद एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इजाफा जो है वो वोट बैंक में ला सकते हैं। मंजर साहब देखिए, एमक्यूएम जब मुतासिर हुई है, जब से जो है जब पतंग के निशान ना होने की वजह से फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि उन्हीं ने पीस पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में अच्छा खासा अपना हिस्सा वसूल किया है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पीस पार्टी जो है वो कुछ भी नहीं लेगी। बहरहाल अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं फर्क जरूर पड़ा है। और जाहिर बात है एमक्यूएम का भी आपको पता है कि एमक्यूएम का असल वोट बैंक कहाँ पे था, ये बात तो आपको भी मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, और नाजरीन को भी पता है कि वोट बैंक कहाँ पे है और कहाँ जो है वो गुम हुआ है।
तो जो लोग हैं वो डिसाल्ट हुए हैं, डिसाल्ट होने के बाद कोई पीस पार्टी में जा रहा है, कोई इससे पहले पीटीआई में चले गए थे, आमिर लियाकत साहब मरूम जो है उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, कई लोग उस वक्त जो है पीटीआई में शामिल हो गए थे। तो ये तो होता है, लेकिन ये है कि एमक्यूएम का जो है वो बहुत ज्यादा मैं फ्यूचर यहाँ पे जो है बहुत वो नहीं देख रहा, जो पहले उनकी सियासत थी, जो एक शख्सी वो सियासत थी उस पर उनको वोट मिलता था और वो शहर था एक जिस पर उनको वोट मिला करता था, अभी वो कारकर्दगी नहीं है, आसानी से जीतना इनके लिए भी मुश्किल होगा, एक टफ मुकाबला होगा लगता है। यह मुख्तलिफ सियासी जमातों को कराची में जो है ना सीटें मिलेंगी, जिसमें पीस पार्टी है, एमकेएम है, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो टफ फाइट करेंगे। ये शहबाज शरीफ जो है बल्दिया की सीट में, वो इससे पहले भी बल्दिया की सीट जीत गए थे लेकिन उनको उस वक्त के हालात ने हरवा दिया था, तो कई जगहों पे वो एक दो सीटें मुस्लिम लीग नून भी निकाल लेगी। इसी तरीके से जो है पीस पार्टी दावे तो करेगी लेकिन कुछ ना कुछ तो पीस पार्टी भी, जमात इस्लामी का बताऊं कुछ ना कुछ सीटें हो सकता है जमात इस्लामी भी इस दफा निकाल ले सेंट्रल में उनके चेयरमैन। मगर मंजर साहब, इस शहर का जो वोटर है, शहर में बसने वाला, आप देखें अंदरून सिंध की बात करें तो कहीं ना कहीं वडेरा शाही एक मुनज़्ज़म एक सियासी रोलिंग समझ में आती है, पॉलिटिक्स समझ में आती है, मगर शहरी इलाकों के अंदर शख्सी बुनियादों पर हमने तो नहीं देखा कि वोट पड़े हो। मगर दूसरी जानब हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कैंपेन जमात इस्लामी की बेहतरीन हुई है, जगह जगह बैनर्स हुए हैं, मगर जमात इस्लामी आप समझते हैं कि नतीज दे पाई है, आवाम के जो मसाइल है शहर के वो दे पाए हैं? अगर हम इसका सवाल करेंगे तो हमें मुतमईन जवाब नहीं मिलेगा। शहरी हमें ये दिखाई देंगे कि हमने उनको वोट दिया, पावर्स दी, उनके लोग आ भी गए, मगर उसके बावजूद जो सिस्टम है इस शहर का, जो इख्तियारात के मामलात हैं, वो आज भी ऐवान के अंदर काउंसिल के जो है वो इसी बहस में लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान के शहरों में जो निज़ाम, जो बहसें नहीं चलती वो बदकिस्मती से इस शहर में चलती दिखाई देती हैं, वो आवाज़ें इधर उठती दिखाई देती हैं। साथ साथ इसको भी एड ऑन करते हुए बताइएगा कि ठीक है पॉलिटिकल कैंपेन अच्छी है, नतीजे जमात इस्लामी भी नहीं दे पाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आप बता रहे हैं कि मुर्तजा वहाब गो कोशिश तो कर रहे हैं मगर वो नतीजे अभी भी शहरी नहीं देख पा रहे, तो फिर शहरी इस वक्त क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे, या फिर वही जो एक तरीके कार रहा है कि लसानी और मजहबी और जो सेगमेंट में बटा हुआ है कराची, उस बुनियाद पे वोट पड़ेगा? मंजर साहब देखिए, वोट जो है वो तो जो कराची की सूरत हाल थी उसमें जब वसीम अख्तर मेयर आए थे तो कराची जो है ना उसको बहुत लॉस हुआ है, मैं आपको बताऊं। वो मुकम्मल तौर पे वसीम अख्तर जो है वो नाकाम हो चुके थे, मैं आपको बताऊं। उसका जो है ना उसका इफेक्ट हुआ था कि जमात इस्लामी की तरफ लोगों ने देखना शुरू कर दिया था कि भाई कुछ ना कुछ, मतलब मंजर साहब आप कह रहे हैं, आप ये मुझे बता रहे हैं कि जो मेयरशिप है वो बड़ा रोल प्ले करती है, अगर उस मेयरशिप ने किरदार अदा नहीं किया तो जिस सियासी जमात के भी मेयर होगा वो डैमेज दे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, इसके आप नतीजे देख लें, मुस्तफा कमाल साहब के दौर का आप जायजा लीजिए, मुस्तफा कमाल काम करते थे, उसका बैंक वोट बैंक जो था एमकेएम का उस वक्त बरकरार रहा है, एक सीट एमकेएम से छीनना मुश्किल था, काउंसलर क्या जमानतें जब्त हो गई थी अगले इलेक्शन में जो भी आए थे मद्दे मुकाबले, जिस साल वसीम अख्तर मेयर बने उस साल में आपको जमात इस्लामी की जमानत जब्त हुई थी, हाफिज नहीं थी, जमानत जब्त करवा दी थी नॉर्थ नजमाबाद के हलके में, एमकेएम के जो है ये वाटर पंप का हलका था, मुझे पूरा एग्जिट, लेकिन उसमें जमानत जब्त हो गई थी, मैंने वहां पे बिपर दिया था इस पे कि हाफिज नईम जो है वो बहुत कलील वोट लेके जो है वो हार गए, उनकी जमानत, तो ये वक्त था क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था, लोग उनकी तरफ देख रहे थे, मेयर कराची ने काम मुतासर कर लिया था, एमकेएम ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अगर लड़ती भी तो जमात इस्लामी उनको टफ फाइट देती, ये कहना आपका कि ये बातें फर्जी बातें, बहुत टफ फाइट देती क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं था, जब कारकर्दगी आपकी सिफर थी तो लोग जमात इस्लामी की तरफ चले गए, अब तो जो काम करेगा वोट उसको मिलेंगे, ये कोई इंटीरियर का इलाका नहीं है कि आप वडेरा ने कह दिया और वोट डल गए, अब तो लोग कहते हैं भाई कारकर्दगी बताइए आपकी कारकर्दगी क्या है, जमात इस्लामी एक मोस्तर आवाज बन के तो उभरी है, अब कोई माने देखिए इख्तलाफ किया जा सकता है लेकिन जमात इस्लामी एक मोस्तर आवाज बन के हाफिज नईम की ने उसको जान बख्शी है और वो एक मोस्तर आवाज इस वक्त कराची में बने हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर उनको लोग सपोर्ट करें तो वो कराची के मसले हल करा सकते। अच्छा मंजर साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताए ना कि हर सियासी जमात ये कहती दिखाई दे रही
रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो मामलात हैं उसको भी सियासत से निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इस हवाले से आपकी क्या फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं, क्या देख रहे हैं ग्राउंड पे, किस तरह वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? जी देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस वक्त जो है ना, अगर आप माने मतलब पंजाब और केपीके में अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो फेयर इलेक्शन के नतज तो बड़े मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि वहां पे उनका अभी भी वोट बैंक जो है ना वो खत्म नहीं हुआ है। पीटीआई भारत एक मोस्टर कुवत इस शहर कराची से लेके खैबर तक एक मोस्टर कुवत तो इस वक्त कराची में मंजर रिजवी साहब क्या देख रहे हैं? कराची में देखिए, उनको अगर फेयर इलेक्शन हुए, उनको अगर असल में उनके साथ मसला ये है ना, उनको जलसे करने की इजाजत दी जा रही है ना, वो कोई कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, तो उससे मुतासिर तो हुए, लेकिन वोट डालने में उनके उनको जो जो मखसूस उनकी सीटें थी डिफेंस की और जो एमकेएम के दौर में भी उन्हीं ने जीती है, वो सीटें जो है वो तो मुझे लगता है उन्हीं के पास जाएंगी, उनके क्लिफ्टन डिफेंस और जो गुलशन इकबाल की सीटें हैं, मुझे लगता है कि अगर वो उनको वोट डालने की या उनके नुमाइंदे खड़े हुए तो जमाती वो पीटीआई जो है वो इस पोजीशन में है, और अगर उनको भी इलेक्शन कंपेन उस तरह चलाने दिए जाए तो नतज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। कराची से खैबर तक आपको मुख्तलिफ नतज मिलेंगे, फिर आपको अली रजा आप देखेंगे कि या तो नक्शे कुछ और बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मंजर रिजवी साहब, हमें एक जनरल पर्सपेक्टिव पे हम बात कर रहे थे नाज़रीन के, इस वक्त इलेक्शन के मामलात जो हैं वो जारी हैं, कागजात नामजद की उम्मीदवार जमा करा रहे हैं, एक डिटेल डिस्कशन इसलिए करना ज़रूरी थी नाज़रीन के, देखें इलेक्शन के अंदर इलेक्शन होते हैं, हम एक अरसे से इलेक्शन दुनिया जिस मुल्क में रहने वाले बास ही देखते आ रहे हैं, मगर हर लोग हर शहर का रहने वाला ये जानना चाहता है कि इस इलेक्शन के बाद चाहे वो बल्दियाती हों या आम इंतखाबात हों कि उसकी ज़िंदगी में समाजी और माशी और दीगर तब्दीली किस तरह जो है वो मुमकिन बन पा रही है। बदकिस्मती है कि तरक्की और बेहतरी की तरफ चीज़ें जाने के बजाय जो हैं वो बरतरी और बेहतरी की तरफ नहीं जाती दिखाई दे रही। नाज़रीन सूरत हाल क्या निकलेगी इस आम इंतखाबात के बाद, नारे और बुलंदोबांग दावे हर बार की तरह सियासतदानों के उसी तरह देखने को मिल रहे हैं, इस शहर के लोगों को बिलखसूस और बिलवूम के पाकिस्तान के लोगों को अब देखते ही हैं कि इस शहर के अंदर जो वोटर है वो किसको वोट करता है और किस बुनियादों पर वोट करता है, ये भी बड़ा अहम होगा नाज़रीन कि इसको भी ज़रा देखा जाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट मामला ये है कि कराची शहर जिसके ऊपर बोला जाता है कि पाकिस्तान चलाता है, कराची शहर ये वो शहर है जो सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये वो बातें हैं जो शायद ही आपने किसी के मुँह से नहीं सुनी हो जो ऐवान में बैठा हो, हर ऐवान में बैठने वाला ये बात करता दिखाई देता है, मगर उसके बावजूद इस शहर की सड़कों को आप देखें, आप इस शहर के पानी का निज़ाम देखें, इस शहर के जो सीवरेज का निज़ाम है वो देखें, इस शहर को किस तरह कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है वो देखें, इस शहर में किस तरह स्ट्रीट क्राइम्स की नतीजे में कितने लोग मार दिए जाते हैं, कितने लोगों को लूट लिया जाता है और उसके बाद मुल्ज़िमान का पता नहीं चलता है, वो देखें नाज़रीन, और इस तरह की लातदाद ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त गिनवा सकता हूँ, मगर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।